नमस्कार दोस्तों, धरती पुत्र चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मेघ सिंह भाटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे दूध बनाने के व्यवसाय की। अब आप कहेंगे दूध तो बनाया थोड़े जाता है, दूध तो हमें गाय भैंस या फिर बकरी जैसे पशुओं से प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो प्राकृतिक दूध हमें इन पशुओं से ही प्राप्त होता है, लेकिन आप सोयाबीन से दूध बनाने का व्यवसाय शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूध के अलावा इसका पनीर बनाकर भी काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक 1 किलो सोयाबीन से करीब 7.5 लीटर सोयाबीन मिल्क तैयार किया जा सकता है। वहीं 1 लीटर सोयाबीन मिल्क से 2 लीटर फ्लेवर्ड मिल्क और 1 किलो सोया दही तैयार किया जा सकता है। इस हिसाब से सोयाबीन का एवरेज बाजार भाव 45 रुपये किलो मानकर चले तो 60 रुपये के सोयाबीन से करीब 10 लीटर दूध तैयार हो जाता है। बाजार में 1 लीटर सोया दूध की कीमत 40 रुपये है, जबकि 1 किलो टोफू 150 से 200 रुपये में बिक रहा है। मैं आपको बता दूं कि सोया दूध में करीब 3.5% प्रोटीन, 2% वसा और 2.9% कार्बोहाइड्रेट होता है। हालांकि इसकी बराबरी गाय के दूध से नहीं की जा सकती है, लेकिन मार्केट में अभी इसकी बहुत डिमांड है। जिम करने वाले लोग इसे खूब इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत होती है वे भी इसका खूब उपयोग करते हैं। इन क्षेत्रों में मांग और सप्लाई में काफी अंतर है। इसकी मांग दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई इस हिसाब से नहीं है। अगर किसान सोया मिल्क बनाने का काम शुरू करे तो भविष्य में अच्छी कमाई पा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि सोया दूध बनाने की प्रक्रिया क्या है। सोया दूध को घर पर ही रसोई के उपकरणों या फिर सोया दूध मशीन से बनाया जा सकता है। सोया दूध के जमे हुए प्रोटीन से टोफू बनाया जा सकता है, जैसे डेयरी में दूध से पनीर बनाया जाता है। सोयाबीन से दूध बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन को 5 से 6 घंटे गर्म पानी में भिगोकर रखना होता है। इसके बाद सोयाबीन को गर्म पानी से निकालकर 10 से 12 घंटे के लिए ठंडे तापमान में रखा जाता है। इसके बाद सोयाबीन को कुकिंग मशीन में रखकर तेज गर्म किया जाता है और वहां से दूध निकलता है। इस दूध को ही पैक करके बाजार में बेचा जा सकता है। इसी सोया मिल्क से पनीर या फिर टोफू भी तैयार किया जा सकता है। आप चाहे तो इस बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। इसके लिए 1 से 2 लाख रुपए के बीच में आपको सोया मिल्क मशीन मिल जाएगी। यदि आप सोया दूध या सोया पनीर बिजनेस को बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसका प्लांट लगाना होगा। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और दिल्ली के मैसर्स रॉयल प्लांट सर्विसेज ने मिलकर एक सोया मिल्क का ऑटोमेटिक प्लांट तैयार किया है। यह एक ऐसा प्लांट है जो 1 घंटे में 100 लीटर दूध तैयार कर सकता है। इस प्लांट में सोया की फली भरने और पिसाई करने वाली यूनिट लगी है। इसके साथ ही स्टोरेज टैंक और बॉयलर यूनिट भी लगाई गई है। आपको बता दूं कि इस प्लांट को खरीदने के लिए आपको एक बड़ी रकम इन्वेस्ट भी करनी होगी। आपको ये भी बता दूं कि अन्य बिजनेस की तरह ही सोया दूध बिजनेस के लिए भी बैंकों से लोन मिलता है। इसके लिए आपको प्रोजेक्ट बनाकर जिला उद्योग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद मुनाफे और लागत का आंकलन करने के बाद आपको सब्सिडी वाला लोन भी मिल सकता है। तो मित्रों, यह थी सोया मिल्क बिजनेस के बारे में जानकारी। वीडियो के आखिर में यही कहूंगा कि सोया मिल्क किसी भी तरह से गाय के दूध की बराबरी नहीं कर सकता है, लेकिन इसे व्यवसाय के तौर पर करने में कोई बुराई भी नहीं है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।